आपको कोई कुछ भी कहे, यदि आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है तो आप अपने पैसों को बचा सकते हैं। आपने यदि इस वीडियो को एक बार पूरा देखा और इसे कंप्लीट, इसमें बताए गए मेथड को यदि आपने अपने मोबाइल में आपने अप्लाई किया जो कि लॉक है, तो मेरी गारंटी है और मेरे बात पे आप विश्वास कीजिए, आप कुछ ही मिनटों में अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाएंगे थ्रू यूजिंग दिस मेथड। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं, जहां पे मैं आपको पहले बता दूं कि हम ये जो मेथड आपको बताने वाले हैं ये एक सर्विस सेंटर का मेथड है और जहां पे आपको कंप्यूटर की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके हैंडसेट का कोई भी डेटा जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन, आपका कुछ भी लॉस्ट नहीं होगा और आप अपने हैंडसेट को यूज कर पाओगे विदाउट एनी डेटा लॉसेस। तो चलो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं और आपको बताते हैं हाउ टू अनलॉक एनी एंड्रॉयड डिवाइसेस लाइक Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, OnePlus, Samsung, LG, Sony, कोई भी आपके पास यदि स्मार्टफोन जो कि एंड्रॉयड है तो इस मेथड से आप उसे अनलॉक कर सकते हो। तो आप इस बात पे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आगे लेके चलते हैं, आपको बताते हैं कि आप कैसे इस मेथड को अप्लाई करोगे अपने लॉक हुए हैंडसेट में। आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा जो ये हैंडसेट है ये तो लॉक मोड में है और इसे अनलॉक करने के लिए जैसे हम इसे ऊपर की तरफ स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी गलत पासवर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आप यदि यहाँ पे ज़्यादा पासवर्ड गलत इस्तेमाल करोगे आपका हैंडसेट डेड हो सकता है। तो चलो इतनी बात तो आप समझ में आ गए होगा आपको, तो अब आगे आपको कौन सा स्टेप लेना है वो भी जान लेते हैं। नीचे में आप एक ऑप्शन देख पा रहे होगे जिसका नाम है इमरजेंसी कॉल, आपको इसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका इमरजेंसी कॉल्स ओनली का ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑफलाइन मोड का कोड इस्तेमाल करना है और वो कोड है *#8#99##, और दोस्तों आप देख सकते हैं आपके हैंडसेट में इंजीनियर मोड नाम का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रन हो जाएगा, आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम करने हैं अपने हैंडसेट को अनलॉक करने के लिए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊँगा कि आप इस पेज से आप अपने हैंडसेट को कैसे अनलॉक करोगे। नंबर 4 पे आप एक ऑप्शन देख रहे हो जिसका नाम है मैनुअल टेस्ट, आपको इसे यहाँ पे ओपन करने के पहले नीचे में आप देखेंगे सॉफ्टवेयर वर्जन है, इसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन जो आप देख रहे हैं 11, याद रखना है आपके हैंडसेट में हो सकता है 9 हो, 10 हो, 11 हो या फिर 12 हो, जितना भी हो आपको उतने ही टाइम इसे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे 11 बार है तो मैं यहाँ पे 11 टाइम ही क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यदि आपका 12 है तो आप 12 टाइम ही यहाँ पे क्लिक करना, 10 है, 9 है तो उतने ही टाइम करना है। अब आपको यहाँ से बैक होना है और अब आपको यहाँ पे जो मैंने पहले नाम बताया था मैनुअल टेस्ट उसे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नंबर 2 वाले पेज पे जाना है जिसका नाम है डिवाइस डबिंग। यहाँ पे आप यदि ध्यान से देखोगे तो कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे आपको ओपन करना है नंबर जो 7 पे है, जो आप यहाँ देख रहे हो नंबर 7 पे सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन, इसे आपको यहाँ पे क्लिक करके ओपन करना है। आप यहाँ देखोगे आपको जो 2 ऑपरेशन यहाँ पे नॉट स्टार्टेड यहाँ पे शो हो रहे हैं, आपको दोनों को मैनुअली स्टार्ट कर देना है इस तरह से। जैसे आप यहाँ स्टार्ट करोगे आप यहाँ देखोगे कि एक आपका फेल और एक पास का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको अगला स्टेप क्या लेना है कि आपको यहाँ पे बैक हो जाना है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एम सेंसर जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंक्रोनाइजिंग, इसे कुछ सेकंड के लिए होने देना है, मिनिमम 3 सेकंड्स। अब जैसे यहाँ पे 3 सेकंड हो जाएंगे या उससे ज़्यादा हो जाएंगे अब आप यहाँ से बैक हो सकते हैं और इसके बाद आपको सबसे लास्ट का जो पेज है यानी कि अदर का वहाँ पे चले जाना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हम अदर वाले पेज पे आ चुके हैं और अब यहाँ पे हमें 2 स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लेना है। पहला जो स्टेप है वो है डेटाबेस वर्जन को 7 टाइम क्लिक करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसके बाद हमें जो लास्ट स्टेप लेना है वो है नंबर 2 पे दिए गए रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट को क्लिक करना। और जैसे ही हम यहाँ पे पहली बार क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको कंफर्म करने को कहा जाएगा, लेकिन आपको अभी इसे कंफर्म नहीं करना है, यहाँ पे इसे कैंसिल कर देना है। दोबारा आपको फिर से इसी ऑप्शन को क्लिक करते हुए यहाँ पे कैंसिल करना है और तीसरी बार भी आपको यहाँ पे इसे कैंसिल कर देना है, लेकिन इसे एक बार और करना है यानी कि 4th टाइम भी हमें यहाँ पे इसे अप्लाई करना है। और जब इसे हम इस बार यहाँ क्लिक करेंगे आपको इस बार इसे ओके कर देना और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रॉन्ग पासवर्ड जो है वो यहाँ पे डिटेक्ट होके उसका जो ट्रबल शूट है वो यहाँ पे हो चुका है। अब सीधे आपको यहाँ पे
होम का जो बटन है उसे क्लिक कर देना है और आप पाओगे कि आपका जो हैंडसेट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। यदि आपका भी स्मार्टफोन इस तरह से सक्सेसफुली अनलॉक हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपका अभी भी नहीं हुआ है उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट कीजिए और बताइए कि आपके पास कौन सा हैंडसेट है, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम के द्वारा विद इन 5 मिनट आपके हैंडसेट को अनलॉक किया जाए, वो भी वीडियो कॉल के हेल्प से, व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के हेल्प से, तो आप हमारे चैनल को उस केस में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें थैंक्स का जो बटन है सुपर थैंक्स उसे आप क्लिक करके आप हमसे डायरेक्ट उसके जो सॉल्यूशन है वो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उस केस में आप हमारे चैनल को एक बार ज्वाइन या फिर सुपर थैंक्स ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं जानता हूं कि आपने इस वीडियो को क्यों ओपन किया है और उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने ही वाला है, क्योंकि हम यहां पे आपको बताएंगे कि आपके पास कोई भी एंड्रॉयड हो, जैसे कि ओप्पो, रियलमी, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, शाओमी, आप उसमें लगे हुए पिन पैटर्न पासवर्ड को अनलॉक करना चाहते हो, वो भी विदाउट एनी कंप्यूटर, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप अपने हैंडसेट के डेटा को लॉस्ट भी नहीं करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए, जहाँ पे हम आपको बताएंगे इस तरह के लगे हुए पिन पैटर्न पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को आप कुछ ही सेकेंडों में बिना कंप्यूटर के, बिना किसी डेटा लॉस को किस तरह से अनलॉक कर सकते हो। तो चलो आज के इस मेथड की तरफ आपको लेके चलते हैं, आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने हैंडसेट को बैकअप के साथ वापस ला पाओगे। सबसे पहली बात, ये जो मेथड है ये एक ऑफलाइन मेथड है, इसमें हम कंप्यूटर की भी हेल्प नहीं लेने वाले हैं, तो इस मेथड के लिए आपको एक लाइक करना चाहिए क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। तो चलो अब आपको आगे बताते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको लेने हैं जिससे आपका जो हैंडसेट है उसका कोई डेटा लॉस्ट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यहाँ पे गलत पासवर्ड इस्तेमाल बार बार नहीं करना है, वरना आपका जो हैंडसेट है उसे लगेगा कि आप उसके असली ऑनर नहीं हैं, इस कारण से आपके हैंडसेट के डेटा को बचाने के लिए वो डेड मोड में जा सकता है। तो ऐसी गलती ना करना, अपने हैंडसेट को आपको बार बार गलत पासवर्ड का इस्तेमाल करने नहीं देना है। अगला स्टेप यहाँ पे क्या लेना है जिससे आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो, वो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे में इमरजेंसी कॉल, आपको इसे ही यहाँ पे टैप करके ओपन करना होगा, जैसे कि यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक नया स्टेप लेना है, वो है ऑफलाइन मोड का इस्तेमाल करना, और उसके लिए हमें यहाँ पे एक नंबर डायल करना होगा जो आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख रहे हो, सेम आपको यहाँ पे इस तरह से डायल करना है और लास्ट में हैश को क्लिक करके कॉल करके 3 बार इसे कन्फर्म करना है। पहली बार आपको ओके दिखेगा, दोबारा भी करना है इसी तरह से, और तीसरी बार भी आपको सेम इस तरह से करना है। अब आपके हैंडसेट में ऑफलाइन मोड का जो कोड है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, आपका हैंडसेट सक्सेसफुली ऑफलाइन मोड में चला गया है। अब आप यहाँ से इन कोड को यहाँ से हटाएंगे और अब यहाँ पे डालेंगे एक नया कोड जो कि है मास्टर अनलॉकिंग कोड, वो है *#899#। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपका इंजीनियर मोड नाम का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली खुल चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे नाम देख रहे हो। अब आपको यहाँ पे जो अगला स्टेप लेना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, वरना हो सकता है कि आप यहाँ से स्किप करने के बाद आप इसे सीख नहीं पाएंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे आपको नंबर 5 पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम है सॉफ्टवेयर वर्जन, इसे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ध्यान देना है एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर कि आपके हैंडसेट में कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है। फिलहाल यहाँ पे तो एंड्रॉयड 11 दिखा रहा है, हो सकता है आपके हैंडसेट में 9 हो, 10 हो, 12 हो या फिर 11 ही हो, तो आपको उतने ही टाइम जितना वर्जन है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे 11 है तो मैं इसे 11 बार टैप करूँगा एंड्रॉयड वर्जन को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यदि आपका यहाँ पे 10 होगा तो 10 टाइम करना है, 12 है तो 12 टाइम करना है, 11 है तो 11 टाइम करना है। इसे करने के बाद बैक आपको हो जाना है और यहाँ पे नंबर 4 पे अब आपको जाना जो कि है मैनुअल टेस्ट, इसे आपको ओपन करना और इसे आपको क्लिक करके ओपन कर देना है। नंबर 2 वाले पेज पे जाना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्लिक करना है पहला वाला ऑप्शन जो कि है चेक अ स्मॉल बोर्ड मैथ्स मेन बोर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फेल का जो मैसेज है ये आ चुका है। अब इसे ही आपको यहाँ से बैक करना है और सबसे लास्ट वाले पेज पे जाना जो कि है आपका अदर का पेज। अब इस पेज पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, उसे ध्यान से देखिए वरना आप हो सकता है कि शायद इसे समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो आपको डेटाबेस वर्जन दिख रहा है यहाँ पे आपको 7 टाइम क्लिक करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद आपको यहाँ पे रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे इसे कैंसिल करना है, दोबारा भी करना है सेम प्रोसेस और कैंसिल करना है, तीसरी बार में आपको इसे ओके कर देना है, यहाँ पे आपको रॉन्ग पासवर्ड डिटेक्ट हो जाएगा। अब आपको वापस से नंबर 2 वाले पेज यानी कि डिवाइस डबिंग में आ जाना है और अब आपको यहाँ पे फिर से चेक स्मॉल बोर्ड मैथ्स मेन बोर्ड को क्लिक करना है, अगेन आपका यहाँ पे फेल आएगा, फिर आपको यहाँ पे बैक होना है
और थोड़ा सा नीचे जाना जहाँ पे आपको दिखेगा सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन, इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, दोनों को यहाँ पे मैनुअली आपको स्टार्ट कर देना है। एक आपका फेल और आपका एक जो है वो पास का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये दोनों आपका यहाँ पे मतलब फेल हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, फिर से बैक आना है और यहाँ पे जो एम सेंसर है उसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 सेकंड के लिए इसे होने देना है। अब आपको यहाँ से बैक होने के बाद फिर से वापस से जाना है सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन को, इसे क्लिक करना है और दोनों ऑपरेशन को मैनुअली आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। कुछ सेकंड यहाँ आपको होल्ड करना है और आपको देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस बार आपका पास आ चुका है। जैसे यहाँ पे पास दिखे आप सीधे यहाँ पे होम का बटन है उसे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आप देखोगे कि आपका जो स्मार्टफोन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। जी आपका भी हो चुका है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में जिन भाइयों का अपना हैंडसेट अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है वो हमारे चैनल को ज्वाइन करके या सुपर थैंक्स को क्लिक करके आप हमसे डायरेक्ट वीडियो कॉल के थ्रू अपने हैंडसेट को अनलॉक करवा सकते हो। उसके लिए कोई भी टाइमिंग बॉन्ड नहीं है, आपको जब लगे आप हमें ज्वाइन करें और एक बार ट्राई करके जरूर देखें, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम आपको 5 मिनट के अंदर वीडियो कॉल करके आपके हैंडसेट को लाइव अनलॉक करके आपको दे देते हैं।